Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 17, poetry. Poetry means art of clay. Poetry का मतलब होता है ऐसी चीजें जो clay से बनाई गई होती हैं, मिट्टी से बनाई गई कलाकृतियों को हम poetry कहते हैं. उसमें हमारे flower pots आते हैं, clay pots आते हैं, tea pots आते हैं, copper pots आते हैं, brass pots आते हैं. ऐसी चीजें जो कि क्ले या मिट्टी से बनाई गई होती हैं, उन्हें हम कहते हैं, उन कलाकृतियों को कहा जाता है पोट्री. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट पोट्री. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इंट्रोडक्शन. अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे डिड नॉट नो अबाउट द एग्रीकल्चर एंड यूज्ड टू ईट व्हाटएवर दे कुड फाइंड. पहले टाइम पे, पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करते रहते थे. उन्हें किसी भी तरह की एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, और उन्हें जो कुछ भी मिलता था वो सब चीजें एज इट इज खा लेते थे. यानी कि कच्चा मांस मिलेगा तो कच्चा मांस खा लेंगे, पेड़ पत्ते मिलेंगे तो पेड़ पत्ते खा लेंगे. आफ्टर सम टाइम्स दे सेटल डाउन एट वन प्लेस. कुछ टाइम के बाद वो लोग एक जगह पर रहना शुरू हो गए. They built house homes and started to make pots of clay to cook their food. उन्होंने घर बनाए और अपना खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया. As you seen in the picture, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, एक मिट्टी का बर्तन बना रहा है एक पर्सन. क्ले को इकट्ठा करके उसने एक मिट्टी का पॉट जैसा बनाया है. तो पुराने जमाने में क्या होता था कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, वो पेड़ पत्ते खाते रहते थे. कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, लोगों को इसके बारे में नॉलेज आना शुरू हुआ, पता चलना शुरू हुआ कि जो खाना है उसे पका करके बर्तनों में पका करके खाना चाहिए. तो अब उनको खाना पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत थी, इसके लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया. सो इस चैप्टर में हम इन्हीं मिट्टी के बर्तन के बारे में पढ़ेंगे. पोट्री. पोट्री क्या होती है? द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम क्ले इज कॉल्ड पोट्री. मिट्टी से बनाई गई कलाकृतियों को हम पोट्री कहते हैं. ऐसी चीजें जो कि मिट्टी से बनाई जाती हैं उन्हें हम पोट्री कहते हैं. पॉट मेकिंग इज द पार्ट ऑफ पोट्री. पोट्री का पार्ट है ये पॉट मेकिंग. पॉट मेकिंग का मतलब होता है कि घड़े को बनाना. घड़ा किस तरह से बनाया जाता है? घड़ा या भी किसी भी तरह की कोई भी चीज जो मिट्टी से बनाई जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अ लंप ऑफ क्ले पुट इन द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड व्हेन द व्हील इज गिवन अ पुश इट स्पिन. सबसे पहले फर्स्ट हमने क्या करना है, एक बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा करके सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म का सेंटर एक नीचे पतला सा सपाट सी जगह होगी, उसके ऊपर जो कि व्हील है, एक चक्का है जो घूमता है, उसके ऊपर रखना है. द पॉट इज यूज टू हैंड टू शेप द लंप ऑफ क्ले इंटू अ पॉट. उसके बाद पोटर जो कि बना रहा है उसने अपने हाथों का यूज करना है उस मिट्टी को शेप देने के लिए, उस क्ले को एक एक पर्टिकुलर शेप देने की कोशिश करता है वो. और वो शेप दिया जाता है वो कैसे, कि जो उसके नीचे का व्हील होता है, चक्का होता है, उसको घुमाता है और अपने हाथों से मिट्टी को शेप देता चला जाता है. देन द पोटर प्रिपेयर अ पॉट. फिर उसके बाद जो पोटर है यानी कि घड़ा बनाने वाला है वो एक पॉट को तैयार कर लेता है. नीचे आपके पास यहाँ पे स्टेप्स ऑफ पॉट मेकिंग भी दिखाया गया है इन पिक्चर. सबसे पहले पिक्चर में क्या है कि जो पोटर है यानी कि पॉट को बनाने वाला है, उसने क्या किया है, एक बहुत सारी क्ले इकट्ठी करके व्हील के ऊपर, ये जो नीचे दो दिखाई दे रहे हैं आपको वो चक्के हैं और वो घूमते हैं, उनके ऊपर रख दिया. आफ्टर दैट जैसे ही चक्के घूम रहे हैं उसके साथ साथ वो उस मिट्टी को एक शेप दे रहा है. देन उसने शेप दिया, सेकंड में वो शेप दे रहा है, थर्ड में फिर वो शेप दे रहा है, उसको प्रॉपर शेप में तैयार कर रहा है. फोर्थ में उसने उसकी लास्ट एजेस बना दिए हैं. फिफ्थ वाले पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरी शेप जो है वो प्रिपेयर हो गई है. एंड लास्ट पिक्चर में उसने एक पर्टिकुलर पॉट जो है वो बना के तैयार कर दिया है. सो इस तरह से पॉट जो है एक क्ले की मदद से बनाया जाता है. ये क्ले की मदद से बनाए जाने वाले पॉट को हम पोट्री कहते हैं. मेकिंग आर्ट.
आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम क्ले, मिट्टी से बनाए जाने वाली चीजें, उसे हम पॉट या पॉटरी कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉट, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉट। पॉट जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कॉइल पॉट, दूसरे होते हैं बास्केट पॉट, तीसरे होते हैं पिंच पॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइल पॉट्स, कॉइल पॉट्स क्या होते हैं? रिंग आर मेड बाय मेकिंग कॉइल ऑफ क्ले, दीज रिंग आर प्लेस वन अबव अनदर टू मेक अ पॉट। अब आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आपको कॉइल पॉट दिखाया गया है। इसमें क्या है कि पॉट के पूरे पॉट के ऊपर छोटे छोटे गोल गोल एक रिंग्स से बने हुए हैं, रिंग की कॉइल बनी हुई है, और ये रिंग की कॉइल बनी है क्ले यानी कि मिट्टी से। इन रिंग्स को एक के ऊपर एक प्लेस किया गया है, लगाया गया है। इस तरह की जो पॉट मेकिंग होती है उसे हम कॉइल पॉट्स कहते हैं। ऐसे रिंग्स जिन्हें हम क्ले की मदद से बनाते हैं और उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है पॉट पे एक सीक्वेंस में, उससे हम कहते हैं कॉइल पॉट्स। सेकंड, बास्केट पॉट। क्ले पुट इन अ बास्केट एंड देन द पॉट इज मेड। बहुत सारी क्ले को हम इकट्ठा करते हैं और उसको एक किसी भी तरह की बास्केट में डाल देते हैं। व्हेन इट इज पुट इन अ फायर द बास्केट गेट बर्न एंड द पॉट रिटेन द शेप ऑफ द बास्केट। उसके बाद हम उस बास्केट को आग में डाल दिया जाता है और वो बास्केट जो बाहर का उसका बास्केट होता है वो जल जाता है, और पॉट जो है मिट्टी का वो एज इट इज रिमेन इसी तरह से बना रहता है और वो पूरी की पूरी शेप ले लेता है उस पर्टिकुलर बास्केट की जिसके अंदर उसको डाला गया होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है एक इस बास्केट के अंदर बहुत सारी मिट्टी को डाला गया। डालने के बाद इस पॉट को आग में फेंक दिया गया, आग के ऊपर रख दिया गया। जैसे इसको आग के ऊपर रख देते हैं तो इसका बाहर बाहर का ये जो प्लास्टिक का एरिया है ये जल जाता है और अंदर जो मिट्टी है वो इसकी प्रॉपर शेप ले लेती है, तो इसे हम बास्केट पॉट कहते हैं। ऐसे पॉट जो बास्केट की हेल्प से बनते हैं उसे हम बास्केट पॉट कहते हैं। नाउ पिंच पॉट्स, पिंच पॉट क्या होते हैं? द क्ले ऑफ पिंच बिटवीन द फिंगर एंड थंब टू गिव शेप टू द पॉट। जब हमने छोटा सा क्ले लेना है उसको फिंगर या थंब की हेल्प से उसको एक शेप देनी है, उसे हम पिंच पॉट कहते हैं। ये हम लोग आपके सामने पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक पर्सन ने एक क्ले लिया है उसके अंदर अपना थंब डाला है। सेकेंड पिक्चर में वो अपने हैंड फिंगर्स की हेल्प से उसको थोड़ा चौड़ा कर रहा है और एक कटोरी की शेप बना रहे हैं। थर्ड में उसको प्रॉपर शेप दे रहे हैं एंड फोर्थ में उसके पास एक कटोरी यानी कि एक पॉट की तरह एक उसके पास शेप आ जाती है। इसे हम पिंच पॉट कहते हैं। पिंच पॉट का मतलब होता है ऐसा पॉट जो अपने फिंगर या थंब की हेल्प से मिट्टी को मोल्ड करके बनाया जाता है या क्ले को मोल्ड करके बनाया जाता है, उसे हम पिंच पॉट कहते हैं। नाउ यूज ऑफ क्ले इन एवरीडे लाइफ। वाटर इज स्टोर इन घड़ास, फर्स्ट यूज है कि पानी को स्टोर करने के लिए हम घड़ा का यूज करते हैं और जो घड़े होते हैं वो भी मिट्टी के बने होते हैं। सम पीपल ड्रिंक टी अर्थन कप्स कॉल्ड कुल्लर्स, कर्ड आर इज ऑल्सो मेड इन देम। कुछ लोग जो होते हैं वो चाय पीने के लिए मिट्टी के कपों का यूज करते हैं, मिट्टी का ग्लास या मिट्टी का कप का यूज करते हैं, उसे हम कुल्लड़ कहते हैं। और इन कुल्लड़ के अंदर भी लोग दही जमाते हैं। मेनी डेकोरेटिव आइटम्स एलिफेंट हॉर्स डॉल्स एंड आइडल्स ऑफ गॉड्स आर मेड फ्रॉम द क्ले। बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स घर में सजाने की चीजें जैसे कि दिया हो गया, डॉल्स होगी, आइडल ऑफ गॉड, भगवान की मूर्तियां हो गई, ये सब क्ले से बनाई जाती हैं। घातम इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज स्पेशली मेड बाय अ क्ले ऑफ पॉट। घातम जो है वो एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्ले से बनाया जाता है यानी कि मिट्टी से बनाया जाता है। देर आर द एग्जाम्पल्स घड़ा जो मिट्टी से बनाया गया है, दिया ये भी मिट्टी से बनाया गया है जिसमें चाय डाली हुई है, कप इसे हम कुल्लड़ कहते हैं, यहाँ पे एक अंकल बजा रहे हैं इसको पॉट को बजा रहे हैं, इसे हम घातम कहते हैं। सो दीज आर द एवरीडे लाइफ में हम लोग किस तरह से क्ले को यूज करते हैं, ये दीज आर द सम यूजेस ऑफ क्ले इन आर डेली लाइफ। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज चैप्टर नंबर 17
पोट्री यू हैव टू रीड द पेज नंबर 102 to 104 थोरली फ्रॉम योर बुक। बच्चे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है और फिर आपने अपने चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई वर्ड समझ नहीं आता है तो आपने अपने डाउट या अपने वर्ड्स को एक रफ नोटबुक पे नोट कर लेना है और आपने किसी भी टाइम कॉल करके मुझे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर यू हैव टू अटेम्प्ट दीज टू क्वेश्चंस। आपने ये दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। These questions are research based question. Your first question is why are clay pots not longer used in our homes? And your second question is difference between coil pots and basket pot and pinch pot. आपने difference लिखना है coil pot के बीच में, basket pot के बीच में and pinch pot के बीच में. So this is the homework for you. So that's all for today, students. Thank you and have a great day.